Hello everyone, welcome to Elite English Club. Today I brought for the students of English diary writing concept. Here we will learn how to write a diary entry, which is prescribed in the class 9th. So let's start the diary writing. What is diary writing? सबसे पहले आज मैं आपको बताऊं कि डायरी राइटिंग होता क्या है. डायरी राइटिंग इज अ पर्सनल वे ऑफ राइटिंग समथिंग. जब आप कोई पर्सनल थॉट शेयर करना चाहते हैं और वो आप राइटिंग फॉर्म में रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरी राइटिंग. द पर्पस ऑफ राइटिंग अ डायरी इज टू रिकॉर्ड सर्टेन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द डायरी. जो भी पर्सन अपने कुछ इम्पोर्टेंट बातें रिकॉर्ड करना चाहता है, मेमोरेबल रखना चाहता है, वो राइटिंग फॉर्म में कर पेजेस पे लिख के अपने इवेंट्स को मेमोरेबल बनाता है. वाई डू पीपल राइट डायरीज? लोग डायरी क्यों लिखते हैं? एक्सप्रेसिंग देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट और इंसिडेंट्स. जब भी हम कोई अपने व्यूज किसी पर्टिकुलर इवेंट और इंसिडेंट्स पर या रोजमर्रा लाइफ की इवेंट्स पर या इंसिडेंट्स पर हम अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं व्यूज, तो हम डायरी राइटिंग करते हैं. अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ. ये फॉर्मेट है राइटिंग का, जिसमें सबसे पहले डेट मेंशन करते हैं, फिर डे मेंशन करते हैं, टाइम किस समय आप राइटिंग कर रहे हैं डायरी वो मेंशन करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सैल्यूटेशन देते हैं डियर डायरी, देन आप टॉपिक लिखते हैं, एंड देन लास्ट में आप अपना नाम लिखते हैं, या जो भी डायरी लिख रहा है वो अपना नाम लिखता है. फॉर्मेट ऑफ डायरी राइटिंग एक्सप्लेन्ड. डायरी राइटिंग का फॉर्मेट अब कैसा होना चाहिए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे कि अभी आपने लास्ट सीन में देखा कि उसमें डेट सबसे पहले होगी, वो भी लेफ्ट साइड पर. लेफ्ट साइड पे ही डे, सी के जस्ट बिलो यू हैव टू राइट टाइम. आफ्टर लीविंग अ लाइन, एक लाइन आपको ड्रॉप करनी है, देन आपको सैल्यूटेशन देना है डियर डायरी का, फिर आपको मेन हेडिंग टॉपिक एट द सेंटर, देन राइट द कंटेंट ऑन द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स. फिर वन लाइन ड्रॉप करके आपको कंटेंट लिखना है कि किस रिलेशन में आप डायरी लिख रहे हैं. फिर आपको एट लास्ट लेफ्ट साइड में ही साइन करने हैं अपने, या जो राइटिंग लिख रहा है उसको अपने सिग्नेचर करने हैं. सो ये था फॉर्मेट हमारा डायरी राइटिंग का. किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए डायरी एंट्री करते समय या डायरी राइटिंग करते समय, उसका आप हम डिस्कशन करते हैं. जैसे बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव. जब भी आप कोई डायरी लिखें तो काफ़ी पॉइंट्स या वर्ड्स इमेजिनेटिव होते हैं, और उन शब्दों को आप अपने पेपर्स में लिखते हैं तो वो बहुत क्रिएटिव होना चाहिए. राइट द इंसिडेंट शोइंग दैट यू आर पार्टिसिपेंट इन द इवेंट. आप उसी इवेंट को डायरी में नोट डाउन करिए जिसको आपने पार्टिसिपेट किया या जिसका आप विटनेस हो. नरेट द इवेंट इन द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन में मतलब यू हैव सीन द सीन, सो यू मस्ट राइट आउट इन योर ओन वे. जैसे आप कुछ लिख रहे हैं तो आप अपने आप को ही सिग्निफाई वहाँ करेंगे. डोंट बी जनरल इन मैंशनिंग द डेली इवेंट्स. जनरल नहीं होना है, आप पर्सनल ही पॉइंट रखेंगे. इंस्टेड राइटिंग डायरी अबाउट द स्पेसिफिक इवेंट ऑफ योर टॉपिक. अगर आप जनरल पॉइंट रख देंगे तो वो आपका डायरी राइटिंग नहीं रहेगा, वो आपका पर्सनल व्यू नहीं रहेगा. इट्स अ सीक्रेट रिकॉर्ड. डायरी को हमेशा सीक्रेट रिकॉर्ड माना जाता है. सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ इन डिस्क्राइबिंग द इवेंट. डायरी इज द बेसिकली द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एनीवन. इफ यू कैन नॉट शेयर योर मोमेंट विद एनीवन, सो यू कैन राइट डायरी. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू. हियर इज एग्जाम्पल ऑफ ए स्कूल पिकनिक एंड विच इज अनाउंस्ड
to make your plan for the picnic. Here, the doer has written about the diary, my school picnic, date mentioned, day mentioned, time mentioned, dear diary, now my school picnic. There was an announcement about the school picnic to be conducted on July 21st, 2016. I am very much excited. यहाँ पर देखिए, राइटर ने अपने आप को डिनोट किया कि उस न्यूज़ को सुनते ही राइटर वॉज सो एक्साइटेड. आई एम एगरली वेटिंग फॉर द टुमारोज प्रोग्राम. ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एगर है, बहुत इच्छुक है प्रोग्राम पर, पिकनिक पर जाने के लिए. द आइडिया ऑफ हैविंग फन टुगेदर एट द पिकनिक विद माई स्कूल मेट्स एंड टीचर इज फैंटास्टिक. और टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ आप टाइम स्पेंड करना इज रियली मेमोरेबल. In fact, I have been preparing for the trip since our class teacher gave us a hint about it last week. जब अनाउंसमेंट होने से पहले टीचर ने हमें हिंट दी, तभी से बहुत खुश थे. We are going to Nehru Zoological Park. The thought of watching animals and birds at the zoo making me restless. और इन सारी चीज़ों को याद करके मैं बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही थी. आई वॉज सो एक्साइटेड. आई हैव पैक्ड सम फूड आइटम्स फॉर टुमारोज प्रोग्राम्स. आई प्लान टू कैरी पोटैटो चिप्स, पॉपकॉर्न्स, बिस्किट्स एंड एक्सेट्रा. माई मदर हैज मेड सम सैंडविचेस एंड अ केक फॉर मी. इट विल बी अ प्लेजर टू शेयर माई फूड विद अदर्स टुमारो. आई also carry my cricket bat and a ball. It will be a fun thing after lunch. I feel I just cannot go to sleep tonight. Writer yahan pe bahut excited hai, keh raha hai ki main ab so bhi nahi paunga raat mein. I keep on thinking of the fun we are going to have tomorrow. I will learn many things about animals and birds. And here the person has given the name XYZ. That is anonymous. So, I hope आपको ये समझ में आया होगा. ये at a glance एक flow chart है आपकी diary entry का, कि कौन कौन से points आपको mind में रखने हैं. ये एक छोटा सा map है उस diary entry का. I hope आपको ये video पसंद आई होगी. और next time से जब भी आपके school में diary writing का format आएगा, then आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और अपनी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव व्यूज उस डायरी राइटिंग में लिखेंगे. सो थैंक यू वॉचिंग मी.